कुछ दिनों में 5G सेवा का उद्घाटन किया गया। 5G नेटवर्क आने वाले समय में कई चीजों को प्रभावित करने वाला है। 5G की स्पीड 4G से 10 गुना तेज मिलेगी ऐसा कहा जाता है, लेकिन संभावना है कि इसके शुरुआती चरण में 5G के नाम पर धोखाधड़ी बढ़ सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मोबाइल फोन में 5G अपडेट के नाम पर गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह फोन कर प्रक्रिया के नाम से मोबाइल पर लिंक भेजता है और कहता है कि वे मोबाइल फोन में 5G अपडेट कर देंगे। इस लिंक के आधार पर बैंक खाते के तहत व्यक्तिगत जानकारी और OTP मांगकर धोखाधड़ी की बात सुनी जा रही है। इसलिए रामनगर और शहर पुलिस स्टेशन के थानेदारों ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। यदि आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो अब आपको उनकी प्रक्रिया में एक OTP मिलेगा, वह हमें बताए ऐसा कहा जाएगा। आपने वह OTP आगे के व्यक्ति को दिए जाने पर दूसरे मिनट में आपके बैंक खाते से जमा राशि निकाल ली जाती है। इसलिए OTP किसी को ना बताने की अपील पुलिस विभाग ने की है।